बाढ़ और बारिश की इससे भयावह तस्वीर और क्या हो सकती है। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं बाढ़ का पानी कितने रौद्र रूप में है कि इसने रेलवे ट्रैक के पैरों तले जमीन खिसका दी, मतलब रेलवे पुलिया को ही साथ बहा ले गया। नतीजा ये हुआ कि रेलवे ट्रैक ही हवा में झूलता हुआ पुल नजर आने लगा। दरअसल पीलीभीत समेत समूचे उत्तर प्रदेश में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। खेत खलिहान, जमीन मकान सब जलमग्न हो चुके हैं। आसमान से मॉनसून की आफत वाली बारिश हो रही है, जिसका नतीजा यह खौफनाक तस्वीर है। पीलीभीत में भी पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते शारदा और देवहा नदी उफान पर है। ऐसे में सोमवार को बारिश के पानी के तेज बहाव में शाहगढ़ संडई रेलवे स्टेशन के बीच बनी पुलिया बह गई। इसे रेलवे लाइन हवा में लटक गई। देखिए, बाढ़ का पानी जब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया तो हवा में रेलवे ट्रैक लटकता रह गया। नीचे रौद्र रूप में बाढ़ का पानी गुजर रहा है। हवा में झूलते हुए इस रेलवे ट्रैक के एक तरफ कुछ लोग खड़े भी दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक शख्स हाथ में छाता लिए झूलते ट्रैक का मुआयना करता हुआ नजर आता है। हालांकि ऐसा रिस्क लेना जानलेवा हो सकता था, क्योंकि पानी के रौद्र रूप में कब रेलवे ट्रैक ही उखड़ जाए कोई नहीं जानता। बता दें कि पुलिया का निर्माण कुछ महीने पहले ही किया गया था। पुलिया के बहने से घटिया निर्माण की पोल भी खुल गई है। इसके चलते इस रूट के सभी ट्रेनों का संचालन रेलवे प्रशासन ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही पीलीभीत मैलानी के बीच ट्रेनों के संचालन को लेकर समय सारणी जारी की गई थी। ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाता इससे पहले ही बारिश के पानी के तेज बहाव में शाहगढ़ संडई हॉल्ट के बीच बह गई और रेलवे लाइन हवा में लटक गई।